आप सभी का A1 स्टडी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सर्वेइंग, लैंड सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। अब बात करेंगे हम चैप्टर 2 चैन सर्वेइंग। चैन सर्वेइंग में क्या है? जरीब सर्वेक्षण। जरीब सर्वेक्षण जब किसी क्षेत्र में भू क्षेत्र का सर्वेक्षण जरीब द्वारा केवल रैखिक माप लेकर किया जाता है तो जरीब सर्वेक्षण कहलाता है। जरीब सर्वेक्षण में हम केवल रैखिक माप लेते हैं, उनके मध्य कोई कोणीय मापन नहीं किया जाता। और जिस क्षेत्र का हमें जरीब सर्वेक्षण करना होता है उस क्षेत्र को हम अनेक त्रिभुज आकृतियों में बांट लेते हैं, क्योंकि त्रिभुजी एक ऐसी ज्यामिति सरल आकृति है जिसका माप बड़ी आसानी से किया जाता है। इसमें कोणीय मापन की भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जरीब सर्वेक्षण को हम जरीब त्रिकोणीय मिति जरीब भी बोलते हैं। अब जरीब सर्वेक्षण क्या है?
इसके बाद हमारा टॉपिक जरीव सर्वेक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। जरीव सर्वेक्षण के सिद्धांत क्या क्या है? सभी रेखिक माप होती है और क्षैतिज समतल पर ली जाती है। अभी बताया कि जरीव सर्वेक्षण में सभी सभी माप रेखिक होती है और क्षैतिज समतल पर ली जाती है। उसमें कोई ऊर्ध्वाधर माप और ऊर्ध्वाधर माप और कोणे मापन नहीं किया जाता, यह भी बताया जरीव सर्वेक्षण में। और संपूर्ण सर्वे क्षेत्र को आपस में सटी हुई त्रिभुजाकृति में बांट लिया जाता है, जहाँ तक संभव हो त्रिभुज सुआकार्य 30 डिग्री से 120 डिग्री डिग्री कोण जिसमें हो। मतलब कि पूरे क्षेत्र को त्रिभुज अनेक त्रिभुजों की आकृति में बांट लिया जाता है और त्रिभुजों के कोण 30 से 120 डिग्री होने चाहिए। और त्रिभुजों की भुजाएं इस प्रकार चुनी जाए कि मतलब कि त्रिभुज इस प्रकार चुने जाए कि उस क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण बिंदु इसकी पहुंच में आ जाए, त्रिभुज की पहुंच में आ जाए जरीव सर्वेक्षण के। और जहाँ तक संभव हो कि खसके अधिकतर समकोणीय डाले जाए। दूसरी टॉपिक क्या है हमारा? जरीव सर्वेक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। सभी माप रेखिक होती है और क्षैतिज समतल पर ली जाती है। उसमें ऊर्ध्वाधर या कोणे मापन नहीं किया जाता जरीव सर्वेक्षण में। Thank you.
अगला टॉपिक है हमारा जरीव सर्वेक्षण के लिए आवश्यक उपकरण इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चैन सर्वे। जरीव सर्वेक्षण क्या होता है, जरीव सर्वेक्षण के उपकरण क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे। पहला तो हमारा जरीव चैन ही होगा, उसके बाद फीता, आरे खंडन, रेंजिंग रोड, सुआ, एरो, खूंटी, वुडन पैग, साहुल, प्लम्बो, खुला गुनिया, ओपन क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्षेत्र पंजी, फील्ड बुक। अब जरीव चैन है क्या उसके बारे में बात करेंगे। जरीव चैन 4 mm मोटी जस्ते की मृदु इस्पात की एक तार की कड़ियों से बनाई जाती है। 4 mm मोटी जस्ते के मृदु इस्पात की तार की कड़ियों को जोड़कर बनाई जाती है। कड़ी के सिरे पर खुंटी बनाकर तीन छल्लों द्वारा कड़ियों को आपस में लंबाई की दिशा में जोड़ दिया जाता है, जोड़कर बनाई दी जाती है। जरीब के दोनों सिरों पर हत्ता लगा हुआ होता है। ये हत्ता फिरकी जोड़ द्वारा लगाया जाता है जिसमें पंजा डालकर जरीब को चैन को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके, आगे की तरफ खींचा जा सके, पूरी लंबाई में जरीब चैन को बढ़ाया जा सके। जरीब चैन की लंबाई हत्ते से ही जोड़ी जाती है। समझ आया जरीव क्या है। जरीव 4 mm मोटी जस्ते की मृदु इस्पात की तार की कड़ियों को जोड़कर बनाई जाती है। कड़ी के सिरे पर खूंटी बनाकर तीन छल्लों द्वारा कड़ियों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जरीव के चैन के दोनों सिरों पर एक हत्ता लगा हुआ होता है, जो पीतल का एक हत्ता लगा होता है फिरकी जोड़ द्वारा लगा होता है, जिसको हत्ते में पंजा फंसाकर डालकर जरीब को हम आगे की ओर लंबाई की दिशा में बढ़ा सके। और हत्ते की मोटाई जरीब की लंबाई में शामिल की जाती है और जरीब में पढ़ने के लिए उचित दूरी पर पीतल की टिक्की लगाई जाती है और जरीब को मीट्रिक जरीब भी बोलते हैं। मीट्रिक जरीब में 1 मीटर की लंबाई में 5 कड़ियाँ होती है और मीट्रिक चैन सर्वे चैन 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर, 40 मीटर की उपलब्ध होती है, मिलती है। और अभी बताया कि हत्ते की मोटाई जरीब की लंबाई में शामिल होती है, जितना मतलब कि हत्ते से ही जरीब की लंबाई होती है। और
हत्थे की मोटाई जरीब की लंबाई में ही शामिल की जाती है। क्या लगाई जाती है? अगला टॉपिक हमारा, अगला उपकरण है फीता, आयखन, सुवार, खूंटी। इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।